हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से देखिए, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, आज आप लोग को दिखाने वाले हैं धान कैसे, तो क्या बोलते हैं डेंगाना को, क्या बोलते हैं पिटाई कैसे किया जाता है। तो हम लोग डेंगाना बोलते हैं, ऐसे खट्ठा में लैंग्वेज में पिटाई बोलते हैं। और ये देख सकते हैं, ये देखिए राजू जो टैलेंटेड बॉय, देखिए पढ़ाई के साथ साथ धान का पिटाई भी करता है। और सोच सकते हैं कि ये पढ़ाई तो करता ही है, साथ साथ काम भी कर लेता है। और कितना काम करता है शायद ये राजू कभी बताया नहीं है, लेकिन जब ये सक्सेस करेगा तो अपना शुरू से अंतिम जब सक्सेसफुल कैसे होगा उसका लाइफ स्टोरीज का आएगा, तो वो भी हमारे चैनल में आएगा अगर लाइफ में ये सक्सेस करता है। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होकर के छोड़ देते हैं पढ़ाई, और आधा अधूरा पढ़ाई करके छोड़ देते हैं। तो ये राजू शायद नहीं करेगा ऐसा उम्मीद है, और ये अपना लाइव स्टोरी जरूर बताएगा हमारे चैनल में। तो ये वासुदेव तो आप देखे ही होंगे, हम वीडियो बनाए हैं जिसमें ये हल जोतते हुए शायद आप देखे होंगे। तो और ये रहा धान, अभी लगता है शायद कुछ उठा लिए हैं। हाँ, क्योंकि सुबह से ही लगता है, और सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है ना, 7 बजे से स्टार्ट होता है और शाम में 5 बजे तक छोड़ दिया जाता है। क्योंकि शायद 7 घंटा 10 घंटा 7 से 5। अच्छा भाई, 8 घंटा होता है, लेकिन कभी कभी 10 घंटा भी हो जाता है। लेकिन कितना कितना भी मजदूरी है इसका, 350 देखिए मजदूरी, देखिए 350 हो गया है। और दो बार खिलाना भी पड़ता है। तो सब जान गए कि किस तरह से गाँव में मतलब मजदूरी भी अगर करते हैं कुछ लोग, तो आजकल लोग मजदूरी करना नहीं चाहते, खासकर धान उन पिटाने वाला काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मजदूरी कम मिल पाता है और इसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है खेत में। अभी कृषि लोग बहुत कम लोग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लोग खेत में इसलिए काम नहीं करते हैं, सोचते हैं कि जितना वहाँ करेंगे उससे ज़्यादा तो इधर ही कमा लेता है, तो जिस कारण से खेत में काम करना नहीं चाहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं श्रम लगता है। सबसे पहले धान रोपना पड़ता है, उसके लिए मजदूरी देना पड़ता है, फिर हाल जोतने के लिए उसका मजदूरी देना पड़ता है, फिर बैल उल को खिलाना पड़ता है उसके लिए अलग फिर खर्चा होता है, फिर रोपनी के लिए अलग खर्चा होता है, फिर वहाँ से कटाई के लिए अलग से खर्चा होता है, फिर से इसको उठाना अलग से खर्चा होता है, मतलब खर्चा ही खर्चा होता है, जिसके कारण से लोग इस काम में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जानते हैं कि हमारा देश का जो रीढ़ है वो है कृषि, और कृषि नहीं होगा तो कुछ भी बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को सीख देगा कि किस तरह से हमारे किसान काम करते हैं और आपके लिए धान चावल ये सब उपजाते हैं और तब आप तक पहुंच पाता है। लेकिन हम लोग इज्जत नहीं करते हैं किसानों का, ज़्यादा उतना इज्जत नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन हम लोग को इज्जत करना चाहिए, किसान जितना करते हैं उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग को सारा मिल जाता है तो हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, और भी चीज़ों को दिखाएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए विक्रम ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम देते हैं हर तरह का नॉलेज पढ़ाई के साथ साथ कृषि फिजिकल के लिए और भी चीज़ों को लेते आएंगे। आप लोग और मेरे वीडियो में क्या देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राजू बोला कि हाँ ठीक है, आप बना सकते हैं, देखिए हम सभी से परमिशन लेकर के वीडियो बनाते हैं। तो बोला ठीक है, वीडियो बनाइए, वैसे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। तो बोले ठीक है, तो देख पाएँ और भी वीडियो में आप लोग को मिलेगा, और भी मनोरंजन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।